दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन दिया है, इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में इसके साइड में जो बेल का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियोस का अलर्ट मिले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एकादशी के दिन ये विष्णु का दिन रहता है, तो उनको क्या अर्पण करना चाहिए और उनको क्या क्या पसंद है, जो अर्पण करने से, जो दान करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो विष्णु देव पीताम्बरधारी है, तो इसलिए इनको पीले कलर के वस्त्र अर्पण करना चाहिए, परिधान करना चाहिए उनको। एकादशी के दिन विष्णुदेव को खीर का नैवेद्य दिखाइए, इसमें तुलसी डालना बहुत शुभ रहता है। एकादशी के दिन विष्णुदेव को केली या फिर किसी भी पीले कलर के फल का नैवेद्य दिखाना बहुत शुभ रहता है। बाद में ये प्रसाद सभी लोगों में आप बांटिए, ये बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन विष्णुदेव को तुलसी की माला अर्पित करें, जिससे विष्णुदेव प्रसन्न होते हैं। इस दिन विष्णुदेव को पीले कलर की मिठाई, कोई भी पीले कलर की मिठाई हो, उसका नैवेद्य दिखाइए, ये बहुत शुभ होता है। विष्णुदेव को या तो कमल का फूल अर्पण कीजिए या फिर कोई भी पीले कलर के फूल इनको अर्पण कीजिए एकादशी के दिन, ये बहुत शुभ होता है। विष्णुदेव को एकादशी के दिन हर श्रृंगार का अत्तर अर्पित करना है, ये इत्तर आपको बाजार में मिलेगा। ये इत्तर अर्पित करने से आपके हर मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय है जो आपको एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। जब भी एकादशी आएगी तो ये उपाय कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। धन्यवाद।